रायपुर में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों पर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के बाद केवल अब औपचारिकता ही बाकी रह गई है, बीजेपी जीत चुकी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि मोदी की गारंटी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पसीने की जगह इस सरकार के कार्यकाल में अपना खून बहाया है। से पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे हम अजय चंद्राकर जी से जुड़ते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही थी आचार संहिता लगने के तुरंत बाद, लेकिन यहां पर सीओ कार्यालय में आप लोग की शिकायतें लगातार पेंडिंग रही, क्या कारण मान रहे हैं? अब ये कारण तो निर्वाचन आयोग ही बताएगा, लेकिन हम तो खटखटाना बंद नहीं करेंगे और मतगणना के पहले यदि उनकी ओर से समुचित जवाब नहीं मिला, समुचित आश्वासन नहीं मिला कार्यवाही का, व्यवस्थाओं का, तो भारत सरकार, भारत के निर्वाचन आयोग में जाएंगे, न्यायालय में भी जा सकते हैं, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है ये सब बात। सीओ कार्यालय को क्या ऐसा लग रहा है कि सरकार रिटर्न हो रही है कांग्रेस की, उनके दबाव में है? नहीं, मैं सीओ कार्यालय के ऊपर तो कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन ये बात है कि जो जांच नीचे भेजी जाती है टिप के लिए, वो वही कारिंदे जांच करके भेजते हैं जिसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार में रिटर्न आ रहे हैं, लगातार आप शर्त लगाने की बात कर रहे हैं, सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं उछाल आया भाजपा को लेकर, क्या कारण मान रहे हैं? कारण कुछ नहीं है, मोदी जी की गारंटी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पसीने की जगह में खून बहाया है, टारगेट किलिंग में मारे गए लोग, समझ रहे हैं ना? 5 साल जो अन्याय अत्याचार हुआ है तो वो तो परिणाम लोकतंत्र में दिखाएगा ही। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय प्रदेश है, ऐसा वसूली वाली सरकार नहीं चलती। सट्टा बाजार में जो अनुमान लगाया जा रहा है, क्या वो भाजपा के फेवर में आ सकता है? भाजपा के फेवर में है, सट्टा वट्टा बाजार को मैं नहीं जानता, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत को जानता हूँ और मोदी जी की व्यक्तित्व और उसकी गारंटी को जानता हूँ साहब, दूसरी कोई चीज़ नहीं जानता। 3 दिसंबर को भाजपा जीत रही है? जीत रही है नहीं, जीत चुकी है, बस औपचारिकताएं बाकी है। केयरटेकर साहब आप पुण्य नहाओ, भाजपा शासन में चलाएगी। अजय चंद्राकर जिनका साफ कहना है कि 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार आ रही है और एक बार फिर वे केयर टेकर मुख्यमंत्री को विदाई देने के लिए तैयार रहे। कैमरामैन इकराम कुरैसी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के महादेव घाट में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में वोटिंग को लेकर कहा है कि जबरदस्त वोटिंग हुई है, राजस्थान में गहलोत सरकार की उपलब्धियों पर जनता ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर सीएम ने कहा है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति कर रही है। वहीं ट्रेन रद्द होने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, लेकिन अब ट्रेनें लगातार कई महीनों से रद्द हो रही हैं। जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूं कि गहलोत सरकार की उपलब्धियां उसी मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी बना है, भारतीय जनता पार्टी उसमें राजनीति कर रही है, पूरे देश जानती है। हमने छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर भगवान राम की दिव्य मूर्ति की स्थापना की, लेकिन हम लोग उसे नाम से वोट नहीं मांगे, वो हमारा आस्था का विषय है। बुलेट ट्रेन तो आया नहीं, वंदे भारत छोटी हो गई है, अब ट्रेनें तो लगातार कई महीनों से, जब से कोरोना काल आया तब से रद्द है। ये इस मामले में रमन सिंह को चिट्ठी नहीं लिख रहे भारत सरकार। इधर छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद से रेलवे ने अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। एक के बाद एक ट्रेनें रद्द होने से जहां रेल में सफर करने वाले यात्रियों को मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासी पारा भी अब उफान पर आ गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। चुनाव तक कुछ ही दिनों तक ट्रेनें बिना रद्द हुए अपने तय शेड्यूल से चलीं, मगर चुनाव खत्म होते ही रेलवे ने फिर मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनों को रद्द करना शुरू कर दिया।
17 नवंबर के बाद से रेलवे ने अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल किया है। इधर चुनाव के बाद लगातार ट्रेनें रद्द होने पर सीएम भूपेश ने बीजेपी पर तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि पूर्व सीएम हर विषय पर केंद्र को चिट्ठी लिखते हैं, मगर ट्रेनें रद्द ना हो इसको लेकर रमन सिंह भारत सरकार को चिट्ठी नहीं लिखते। बुलेट ट्रेन तो आया नहीं, वंदे भारत छोटी हो गई है। अब ट्रेनें तो लगातार कई महीनों से, जब से कोरोना काल आया तब से रद्द है। ये इस मामले में रमन सिंह को चिट्ठी नहीं लिख रहे भारत सरकार। सीएम जब पूर्व सीएम पर टिप्पणी करें तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आना लाजमी है। ट्रेन रद्द होने पर सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए उल्टे कांग्रेस को घेरा है। चंद्राकर ने साफ कहा है कि कुछ अच्छा होने से पहले बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कोविड काल के बाद से ही ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफी का सिलसिला जारी है। इस मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में खूब जुबानी जंग भी हुई, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं आया। देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की दिक्कत आखिर कब खत्म होगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौर खेड़े की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में यात्रियों से मनचाहा किराया वसूला जा रहा है। बस स्टैंड में काबिज बुकिंग एजेंट और हॉकर माफिक किराया ले रहे हैं। इस मौके पर नकेल कसने के लिए जहां परिवहन विभाग पूरी तरीके से विफल रहा है, तो दूसरी ओर जिला प्रशासन भी इस मामले में उदासीन दिखा रहा है। भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में यात्रियों से हो रहे दुर्व्यवहार पर लगाम लगने के बाद अब नई शिकायत मनमाना किराया वसूलने की आ रही है। रायपुर से महासमुंद, सरायपाली, बसना, जगदलपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, सरगुजा, नागपुर, हैदराबाद, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, राजनांदगांव सहित विभिन्न रूटों पर संचालित बसों के किराए को लेकर परिवहन विभाग ने गाइडलाइन बनाई है। इसी दर पर बस संचालकों को किराया लेना होता है, लेकिन बस संचालकों के अलावा यहां बुकिंग एजेंट और हॉकर किराया तय करते हैं। ये एक ही रूट की बसों पर यात्रियों से अलग अलग किराया वसूल करते हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि हॉकर ऐसी रूट की टिकट भी काट देते हैं जहां उनकी बसें नहीं चलती हैं। इसके बाद यात्रियों और उनके बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है। इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार परिवहन विभाग के पास है, लेकिन परिवहन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का रवैया भी ठंडा दिखाई पड़ रहा है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। किसी भी प्रकार से सुनवाई और राहत नहीं मिलने पर पीड़ित यात्रियों को थाने का सहारा लेना पड़ता है। बस के जो हॉकर होते हैं सवारियों को लेकर के होता है कि मुझे बस में हमको हमारे सवारी को बैठाना है, उसको लेकर के एक दो शिकायतें आई हैं जिसमें हमारे द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और एक दो केसेस में मारपीट हुई है जिसमें अपराध पंजीबद्ध करके चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभी वर्तमान में किसी प्रकार शिकायत नहीं मिली है, लगातार दबाव बनाए हुए हैं। वहाँ पर हमारे थाना के पेट्रोलिंग और साथ में स्टाफ भी लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। बहरहाल परिवहन विभाग को इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है। आखिर ऐसी मनमानी लोगों के लिए परेशानी का सबब तो है ही, देर सवेर बस संचालकों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मनोज नायक की रिपोर्ट। इधर सीतापुर में देव दीपावली का पर्व बड़े ही भक्तिमय तरीके से मनाया गया। नगर में जयस्तंभ चौक स्थित शिव मंदिर में देव दीपावली मनाने के लिए भक्तजन काफी संख्या में पहुंचे, जहां बड़े उत्साह के साथ दीप जलाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। देव दीपावली का त्यौहार सीतापुर में मनाया गया। आपको बता दें दीपों को जलाकर यहाँ पर सभी लोगों ने इस त्यौहार को बड़ी ही खूबसूरती के साथ मनाया, धूमधाम के साथ इस त्यौहार को मनाया। दीप जलाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इसी बीच अगली खबर भोपाल से, जहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार और इलाकों में हो सकती है ओलावृष्टि। ताप
तापमान में भी गिरावट, दिखा सर्दी का असर। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मौसम के हाल आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तापमान में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और कई इलाकों में सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में बारिश भी हो रही है। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें, अब ठंड ने अच्छे से दस्तक दे दी है। जिस तरीके से दीपावली के पहले ही हल्की हल्की ठंड होने लगती है, लेकिन इस बार लोगों को इंतजार ज्यादा करना पड़ा, लेकिन ठंड के साथ अब बारिश भी हो रही है। वहीं कहीं ना कहीं ओलावृष्टि की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, सर्दी का असर अब देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई फसलें ऐसी हैं जो बेमौसम बारिश की वजह से खराब हो जाती है और तापमान में भी गिरावट आ गई है, तो किसानों को इसको लेकर परेशानी हो सकती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और अन्य जिलों में ठंड ने दस्तक दे दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे आज 24/7। नमस्कार।